और बिजली के लंबे चौड़े बिल से परेशान हैं, आप भी जरूर हैं। ऐसे में लखनऊ में पर्यावरणविद ने सौर्य ऊर्जा का बेहतर प्रयोग कर और लोगों के सामने उदाहरण पेश किया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के एक कॉलेज के डायरेक्टर और पर्यावरण विद प्रोफेसर भरत राज सिंह। भरत राज सिंह ने पर्यावरण बचाने की एक शुभ पहल करते हुए अपने घर में 5 किलोवाट का रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगवाया है, जिससे न सिर्फ ज्यादा बिजली पैदा हो रही है बल्कि बिजली के बिल में भी भारी कटौती हुई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये योजना और कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं। साल भर पहले उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने यूपी में रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड सिस्टम लागू किए। इसके जरिए कोई भी उपभोक्ता अपनी छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन कर सकता है। अगर आपने बिजली का इस्तेमाल अपनी जरूरत से ज्यादा किया है तो आप सरकार को पैसे देंगे, लेकिन आपका इस्तेमाल कम है, आप न सिर्फ सरकार को बिजली देंगे बल्कि उसके बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। इसी योजना के तहत प्रोफेसर भरत राज सिंह ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाए हैं। इस एनर्जी को जो नेचर ने दे रखी उसी को उपयोग कर ले तो हमारा दो उसमें फायदा होता है, जनता के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। कि एक तो यह है कि बिजली की हमारी जनरेशन सीधे इससे मिल जाएगी तो कोयला नहीं जलाना पड़ेगा। दूसरा यह है कि ग्लोबल वार्मिंग के आने वाले जो कष्ट हैं वो दूर हो जाए। प्रोफेसर भरत राज सिंह ने लगभग 4 लाख रुपए में पूरा प्लांट लगाया है और जनवरी के आखिर में इससे बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया। फिलहाल उनके घर में नेट मॉनिटरिंग के लिए मीटर भी लगा हुआ है। रोजाना लगभग 35 से 40 यूनिट बिजली ग्रिड को जा रही है। उनकी खपत 15 से 20 यूनिट की है। हमारी रिक्वायरमेंट बिल 2000 और गर्मी में कभी कभी जाने तो अगर हमने एसी यूज कर लिया दो तो वो हम 4 महीने से इसको उपयोग कर रहे हैं जनवरी से। अभी स्थिति ये है कि हमारा ही क्रेडिट है। सोलर पैनल के जरिए सूरज की रोशनी को बिजली में बदला जाता है। इसके लिए पैनल को ऐसी जगह रखा जाता है जहां सूरज की सीधी रोशनी आती हो। हमारे देश में सोलर एनर्जी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में सूरज 250 से 300 दिन निकलता है। बिजली के मुकाबले सौर ऊर्जा काफी सस्ती पड़ती है। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट से मिलने वाली बिजली 4.5 से 5 रुपए प्रति यूनिट पड़ती है। 2022